आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को करीब 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। संजय सिंह के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से सवाल करते हुए पूछा था कि उन्हें जमानत में रखना क्यों जरूरी है। उनको जमानत उस समय मिली है जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। संजय सिंह को ईडी ने कथित शराब घोटाले मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट में ईडी ने आप सांसद की जमानत याचिका पर विरोध किया था। संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह 3 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। इस पर बोलते हुए उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि आज उन्हें जमानत मिल गई है। दो कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी आई, ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। सर, कोई कंडीशन भी लगाया गया है? कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित करेगा। कोई रोक ठोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। वो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको पूरा हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने भी कहा कि आज साबित हो गया है कि ईडी के पास कोई जमीनी बुनियाद नहीं थी उनको जमानत न देने की। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूं कि आखिरकार सच की जीत हुई। उच्चतम न्यायालय ने भी देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बना दिया था एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। आज ये बात सिद्ध हो गया कि भाजपा के ईडी के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ, कोई ग्राउंड नहीं हमारे खिलाफ। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के दबाव में हमें जेल में रख रहे थे, तो आज सच की जीत हुई है, झूठ का हार हुआ है, भाजपा झूठ का प्रायबाची बन गया है। और भाजपा ने हर वक्त ईडी का मिसयूज राजनीतिक कारणों से किया, आज ये सिद्ध हो गया है।